जांजगीर चांपा जिले में पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले फरार पति को पुलिस ने माह भर बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और इसीलिए उसने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा जिले में पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले फरार पति को पुलिस ने माह भर में पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, इसलिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल भुवनेश्वरी तिवारी अपने पति गोविंद तिवारी के साथ चांपा के मंझली तालाब के पास अपने दो बच्चों के साथ पिता राजकुमार तिवारी के मकान में रह रही थी, जिसकी शादी 2011 में हुई थी। शादी के बाद से उसका पति गोविंद पांडे अपनी पत्नी पर शंका करता था। इसको लेकर आए दिन दोनों के बीच वाद विवाद होता रहता था। 8 अक्टूबर को भुवनेश्वरी दशहरा देखने को जाने बोली, लेकिन उसका पति उसे मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। रात करीब 9:30 बजे दोनों बच्चे रूम में सो रहे थे। पिता राजकुमार तिवारी भी अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान गोविंद मिट्टी तेल का डब्बा लेकर पहुंचा और अपने पत्नी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया, जिससे भुवनेश्वरी लगभग 90% जल गई थी, जिसे तत्काल BDM अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर सिम्स से रिफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान भुवनेश्वरी ने 4 दिन बाद 12 नवंबर को दम तोड़ दी, जिस पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। इसके बाद गोविंद पांडे फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विगत 8 अक्टूबर को मछली तालाब के पास भुवनेश्वरी पांडे ये जली हुई हालत में, इसे BDM से वहाँ सिम्स रेफर किया गया था। सिम्स बिलासपुर में मृतिक की मृत्यु होने के पश्चात वहाँ मर्ग कायम होकर जांच हेतु थाना चांपा में प्राप्त होने पर PM रिपोर्ट में होमिसाइडल होना लीक करने से उसकी जांच तत्काल प्रारंभ की गई। जांच कर पाया गया कि मृतिका के पति गोविंद पांडे के साथ उसका मारपीट और लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता था। घटना दिनांक को भी मारपीट हुई थी और वाद विवाद होता था और PM रिपोर्ट में होमिसाइडल आना लीक करने से आरोपी गोविंद पांडे को गिरफ्तार कर न्यायिक निवान पर भेजा गया। जी सर, कितने दिनों से फरार था? फरार पर घटना मर्ग जांच पर से हुई है, करीब घटना 2 माह पहले की है। जब मर्ग जांच पर से यहाँ डायरी प्राप्त हुई, उसके बाद से उसको बुलाए थे तो आनाकानी करता था, आता नहीं था। सिवरी नारायण सिंह, आशीष कश्यप की रिपोर्ट, ACN 24।